कृष्णिका जी, सबसे पहले तो विश यू ऑल द बेस्ट। आपके हम देखते हैं कि इरोस में ढेरों सारी फिल्में आती हैं, माशाल्लाह सारी फिल्में हिट भी होती हैं। अब एक फिल्म आ रही हैप्पी भाग जाएगी, क्योंकि आपके प्रोडक्शन की है, आप करता धरता आप हैं, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, हैप्पी भाग जाएगी? हैप्पी भाग जाएगी एक छोटी सी स्वीट सिंपल कहानी है और सबको समझ आएगी, फैमिली एंटरटेनर है, तो बहुत सारी फैमिली एंटरटेनर बहुत कम आती है, तो आई वाज हैप्पी टू प्रोड्यूस दिस फिल्म विद आनंद राय, क्योंकि आनंद राय और आई मी बोथ आर लाइक अ टीम, आई जस्ट फील दैट। एंड यही चाहती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोड्यूस करूँ और कुछ ऐसे रूटेड कहानी, कुछ कोई मैसेज एंड में, कुछ मैसेज देख के जाए, ऐसी कहानी सुना अच्छा लगता है मुझे प्रोड्यूस करना। और ये हैप्पी भाग जाएगी ये क्रॉस बॉर्डर फिल्म है, एंटरटेनर है, क्योंकि पहले जो भी आई है क्रॉस बॉर्डर फिल्म्स बहुत सीरियस नोट पे आई है, या कोई सैड सी कहानी लेके आई है, तो हम हमेशा जाते हैं एंटरटेन होने, तो मुझे लगा कि शुड मेक समथिंग फन। जैसे ये रोम कॉम पिक्चर है, इनको हम लोगों ने रन कॉम कहा है, क्योंकि हैप्पी हर किसी न किसी चीज़ के ऊपर चीज़ के पीछे भाग रही है, और बहुत सारे ट्विस्ट टर्न्स हैं, और दी ऑनसॉम्बल कैरेक्टर्स सब बहुत, जिमी ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है, अभय ने बहुत अच्छा काम किया है, अली ने, मोमल शेख और जावेद शेख, पीयूष मिश्रा, सच अ ऑनसॉम्बल कास्ट, बहुत फन सी पिक्चर है, स्वीट एंटरटेनर है, तो इसी वजह से हम रॉस ने सोचा कि हम लोग साथ में प्रोड्यूस करेंगे। जी कृष्णा जी, आपने बताया कि कंटेंट हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, जब ये फिल्म आपके पास आई तो आप कंटेंट आपने देखा या क्या कुछ कि हाँ ये फिल्म हमें प्रोड्यूस करना या हमें बनाना है, इस फिल्म को हमें अपने साथ में इस फिल्म को लेकर चलना है? इरोस हमेशा बिलीव करता है कंटेंट के ऊपर, और जो भी मैंने पहले प्रोड्यूस किया है आप देख सकते हो, अलग अलग प्रकार की पिक्चरें हैं, NH-10 जैसे, चलो दिल्ली छोटी पिक्चर, और देसी बॉयज, रांझना, तनु एज मनु, सो बहुत अलग अलग पिक्चर हैं, और ब्यूटीफुल सी स्टोरी है, छोटी है या बड़ी वो मैं नहीं देखती, पहले कंटेंट देखते हैं हम लोग कि कितनी अच्छी कंटेंट है, और मैं उसके ऊपर कितना कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि अगर लोगों को कनेक्ट, इफ़ देर इज़ अ कनेक्ट बिटवीन द फिल्म, देन आई फील द फिल्म इज़ सक्सेसफुल, बिकॉज व्हेन यू सी समथिंग, ओ दिस हैपन टू मी द अदर डे, ओ आई कैन रिलेट टू इट, सो आई फील द फिल्म इज़ अ सुपर हिट, बिकॉज व्हेन यू कनेक्ट विद द फिल्म दैट्स द रीज़न इट वर्क्स वेरी वेल, आई फील दैट। So just hoping that people enjoy this film. It's a sweet, simple story. जैसे आपने ट्रेलर में देखी है वैसे ही पिक्चर है, और कुछ अलग नहीं दिखाने वाली है, सो लोगों ने बहुत प्यार से और दिल से पसंद किया है ये ट्रेलर, तो अगर क्योंकि बहुत सारी पिक्चर आती है, इवन हॉलीवुड में आप देखते हो, अगर ट्रेलर पसंद आए तो पिक्चर सबको बहुत अच्छी लगती है। हम हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं, हाँ, ट्रेलर और गाना जो है लोगों को पसंद आ गया, हाँ जी, ट्रेलर बहुत अच्छा है, चलो हम ये फिल्म को देखें। तो ये स्वीट सिंपल स्टोरी है और फैमिली एंटरटेनर है, और यही चाहूँगी कि जैसे लोगों ने ट्रेलर को पसंद किया है वैसे ही फिल्म को भी पसंद करें, तो एज अ प्रोड्यूसर यू ऑलवेज वॉन्ट टू सी एट द बॉक्स ऑफिस रिजल्ट, तो ये सब हो सकता है जब ऑडियंस चाहती है, तो ये सब ऑडियंस के ऊपर है, और यही एक छोटी सी मैसेज है मेरे दौर कि जो लीक हो रही है पिक्चर सब जगह, जैसे ग्रैंड मस्ती को लीक हुई, उड़ता पंजाब, बहुत दुख होता है ये सुन के, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है एक पिक्चर बनाने में, अगर ऑडियंस साथ देंगे और इसको डाउनलोड नहीं करेंगे तभी ये साथ साथ हम इसका प्रिकॉशन या इसको हम सिक्योर रख सकते हैं कि लीक नहीं हो, तो आई जस्ट होप दैट दिस टाइम ऑल्सो वी ट्राइड आवर बेस्ट, लाइक ऐसे
ऐसे लीक नहीं हुए हमारी पिक्चर भी. सो यही चाहत है कि ऑडियंस भी हमारा साथ दे और डाउनलोड नहीं करे हमारी पिक्चर, देखे बड़ी सिनेमा में स्क्रीन में. इतनी द साउंड इज़ सो गुड एंड विजन इज़ सो ब्यूटिफुल विद ब्यूटिफुल कलर्स. सो गो एंड वॉच इट इन योर थिएटर विच इज़ राइट नेक्स्ट टू यू देन वॉचिंग इट डाउनलोडिंग द फिल्म. इट्स अ रियल हार्ड वर्क फ्रॉम ऑल ऑफ अस. सो जस्ट अ स्मॉल प्रेयर फॉर दैट. लीक से याद आया, कई सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने ये मतलब आवाज़ उठाई कि जो कई सारे साइड हैं जो पहले से ही फिल्म रिलीज होने के पहले से वो साइड पे आ जाते, इन सारी साइडों को बंद करना चाहिए, स्पेशली टोरेंट करके नाम भी लिया बंद किया गया है. हाँ जी. तो आप एज एन प्रोड्यूसर इस तरह से किस तरह से सामने आती हैं कि इस तरह की चीज़ों को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे कई प्रोड्यूसर को जो जहाँ पैसा लगा है डायरेक्टर सारे स्टार सबकी मेहनत है, सबकी मेहनत है. जैसे मैंने पहले भी कहा, सबकी मेहनत है, सबको ये इट्स अ ह्यूज टीम वर्क. एक से तो पिक्चर नहीं बनती है, तो इतने लोग इस इनके पीछे जुड़े हुए हैं. तो यही चाहती हूँ कि ऐसे हमारा साथ दे कि डाउनलोड नहीं करे जो पायरेसी हो रही है. तो जस्ट हेल्प अस विद द पायरेसी एंड प्लीज़ डू नॉट डाउनलोड द फिल्म्स. वॉच इट इन योर थिएटर एंड एन्जॉय इट. आजकल इफ़ यू कुडंट वॉच इट इन द थिएटर, वी हैव अ वेबसाइट इरोस नाउ हैज़. यू कैन वॉच इट इन अ मंथ्स टाइम. नॉट ओनली आर साइट, देर आर मैनी अदर्स. अगर इरोस की पिक्चर नहीं है तो फिर भी बहुत सारी वेबसाइट है वे यू कैन सी. देर मैनी ऐप्स जो पिक्चर दिखाते आप देख सकते हो. तो why do you download? We show you the film in Blu-ray in Eros Now or the other apps. So just hoping that you all don't download. अच्छा, फिल्म की हम बात करें, आपने भी बताया कि ट्रेलर बहुत ही पसंद किया जा रहा है और गाने भी दो तीन गाने जो आने में बहुत ही पसंद आ रहा है. और गगरू जो गाना वो कैची सॉन्ग है, वो लोगों की जुबान पर. हम ऐसा माने कि फिल्म की जो आधी जंग वो जीती जा चुकी है, या आप कैसे क्या मानती हैं? म्यूजिक ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्म. When you enjoy the songs, you would love to see the, you want to see that in a big screen, how it is picturized. So that's what I'm hoping, because it's a very, all the songs are very beautiful. If you hear the lyrics are written very well. So I like Zara Si Dosti Kar Lo. And Gabru is a nice song, which you can hear it in the, in all the pubs and, And you can, when you're driving around, you can just listen to all the songs and enjoy it. So if it is, it's good to have a good music in all the films, I feel. और दो सवाल आपसे जानना चाहूँगा. एक कि फवाद खान को, जैसा कि मैंने कहीं भी पढ़ा, आपने आपसे भी पूछा गया होगा कि फवाद खान को भी इस फिल्म में आई थिंक आप लोग लेना चाहते थे, क्योंकि नहीं जब एक्चुअली जब पिक्चर कंटेंट लिखी मैंने सुनी है. सो ऐसे यू जस्ट थिंक ऑफ डिफरेंट एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स के आप सोच सकते हो. यू कैन, इट कैन बी एनी वन, बिग स्टार कास्ट टू एनी ऑल द स्टार कास्ट. तो ऐसे शायद थॉट आया था कि फवाद को या इसको या उसको लिया जाए. नाम पर्टिकुलरली ऐसे हम लोग गए नहीं थे उनके पास स्टोरी लेके, और जिस के पास गए हैं वो सब हमारे पास से काम कर रहे हैं और दे इंजॉयड वर्किंग विद अस. सो इट्स नॉट दैट वी हैव गॉन टू फवाद खान, इट्स जस्ट अ थॉट मस्ट हैव जस्ट कम लाइक ओके शैल वी टेक दिस, शैल वी गो टू दिस वन. अमंग अ सेल्फ इट वॉज जस्ट अ डिस्कशन. जी, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम है तो एक सवाल कई बार आपसे पूछा गया है कि आप डेब्यू कब करें, या फिर कैमियो हम आपको देखेंगे करते हुए, या ऐसी कोई इच्छा है कि अगर डेब्यू नहीं तो किसी फिल्म में कैमियो, क्योंकि कई बार बोला था कृषिका आप ब्यूटीफुल हैं, फिट हैं, तो एक्टिंग में क्यों नहीं कैमियो या डेब्यू क्यों नहीं करें? आई फील थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग ऑफ मी एंड ऑनरिंग मी विद सच ब्यूटिफुल नोट. आई फील दैट I enjoy working what I'm doing. I'm producing beautiful cinema for all of you, and I think I should continue doing that. I have not thought of debuting or doing anything such like, I have not thought, but maybe something better, let me think and come next to you all.
आई थिंक दैट वुड बी अ गुड सरप्राइज. चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Thank you. Thank you. Hi everybody, I'm Shahrukh Khan. Watch me only on facebook.com/businessofsinha.